आज हम बनाएंगे मावा खोआ। तो देखिए, उसके लिए आधा लीटर दूध है और कढ़ाई रख दिए हैं चूल्हे पर, उसमें दूध डाल देते हैं। ये थोड़ा सूखा दूध है, मिल्क पाउडर है, थोड़ा 100 ग्राम से थोड़ा कम है। दूध का खोआ जला कर मावा खोआ बना सकते हैं और सूखा दूध भी मिक्स करें, तो इसके लिए हम दूध जला रहे हैं पहले। तो देखिए, दूध उबल के पकते पकते इतना हो गया है। हम 1 मिनट के लिए भी इसे नहीं छोड़े हैं, चलाते रहे, नहीं तो जल जाएगा, कढ़ाई में लग जाएगा। तो चला रहे हैं, थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं दूध। तो देखिए, दूध गाढ़ा हो गया है और ये पाउडर है, मिल्क पाउडर है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। आप चाहे तो दूध गाढ़ा करके कढ़ाई को उतार कर भी गैस पर से डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं, नहीं तो एक बार डालेंगे तो गुठली हो जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए और इसे पकाते हैं। देखिए, गाढ़ा कर रहे हैं। आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, हम अमूल कंपनी का लिए हैं। थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। लगातार इसे चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में लगे नहीं। घर पे कोई कुछ भी बनाने से शुद्ध मिलता है, मार्केट से लाएंगे तो पता नहीं मिक्स रहता है उसमें कुछ भी। तो गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। गैस को बंद कर दिए हैं तो ठंडा होने देते हैं, इसी पे चला देते हैं। ठंडा हो गया है, थोड़ा और ठंडा कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा और ठंडा कर लेते हैं। मावा खोया बनकर तैयार है, एकदम दानेदार है।